नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। प्रदेश के बच्चों को काफी लंबे समय से स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद होने के कारण अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी। विद्यार्थियों को ये लगने लगा था कि कोरोना महामारी के चलते पिछली बार की तरह सरकार इस बार भी जीरो सेशन घोषित ना कर दे। लेकिन गहलोत सरकार ने इन तमाम आशंकाओं को खत्म करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। शिक्षण संस्थान बंद होने से विद्यार्थियों के साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि कोचिंग संस्थान बंद होने से उन्हें नियमित पढ़ाई करने में परेशानी हो रही थी। वहीं पिछले दिनों रीट भर्ती का ऐलान होने और हाल ही में इसकी विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों की चिंता और बढ़ गई थी। सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए आगामी 18 जनवरी से प्रदेश में फिर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति दे दी है। प्रदेश में लगातार घट रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये फैसला लिया है। हालांकि इसके बावजूद शिक्षण संस्थानों को कोरोना के गाइडलाइंस के पालना करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने शिक्षण संस्थानों को फिर से शुरू करने की अनुमति भले ही दे दी, लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि अभी सरकार ने स्कूलों में केवल 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को ही बुलाने की अनुमति दी है। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के कारण 11 जनवरी से मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज खोलने के भी निर्देश दिए हैं। विद्यार्थियों को 50:50 के अनुपात में एक दिन छोड़कर एक दिन स्कूल बुलाया जाएगा और शिक्षण संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के साथ ही कोरोना संबंधी जरूरी एहतियात भी बरतनी होंगी। इसमें लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निजी स्कूलों में फीस वसूली के मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही अपना फैसला सुना चुकी है। अब ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि विद्यार्थी बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे और अपना भविष्य खराब होने से बचा सकेंगे।